कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। पिछले एक हफ्ते में ये दक्षिण अफ्रीका से लेकर 25 देशों में पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति साउथ अफ्रीका में चल रही है। यहाँ एक दिन में ही ओमिक्रॉन केस दोगुने हो गए। हालात कितने चिंताजनक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि साउथ अफ्रीका में लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया गया है। बाजार बंद चल रहे हैं, सड़कें सूनी पड़ चुकी हैं और लोग फिर अपने घर की चार दीवारी में कैद दिख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में हुई एक स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से दोबारा संक्रमण का खतरा डेल्टा या बीटा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। दक्षिण अफ्रीका की स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर इस अध्ययन को अंजाम दिया गया है। ये अपनी तरह का पहला शोध है जो संक्रमण के स्तर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की क्षमता को दर्शाता है कि नया वेरिएंट इम्यूनिटी को भेद पाने में कितना सक्षम है। We call on all countries to take rational, proportional risk reduction measures in keeping with international health regulations. This includes measures to delay or reduce the spread of the new variant, such as screening of passengers prior to traveling and/or upon arrival, or the application of quarantine to international travelers. Blanket travel bans will not prevent the international spread of Omicron, and they place a heavy burden on lives and livelihoods. पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। उन्होंने कहा कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति 18 से 20 लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। डॉक्टर त्रेहान ने इसके पीछे का कारण बताया कि ओमिक्रॉन का आर नॉट वैल्यू अन्य वेरिएंट की तुलना में कहीं ज्यादा है। डॉक्टर त्रेहान ने लोगों को कोरोना के इस वेरिएंट से सुरक्षित रहने की सलाह देते हुए कहा कि हमारे पास वैक्सीनेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे न्यूनतम सुरक्षा बनी रहेगी। उन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बताया कि इसके बारे में जानने और रोकने के लिए इस पर अधिक से अधिक डेटा की आवश्यकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में भी दस्तक दे दी है और कर्नाटक में इससे 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने के फैसले को भी टाल दिया है। हालांकि सभी जरूरी प्रोटोकॉल के पालन के बाद भी जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की वजह से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है।